नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अस्पानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। जहां पहले देश में ही मोदी के मन की बात होती थी, लेकिन अब पूरी दुनिया के साथ पीएम मोदी बात करेंगे। जी हां, सही सुना आपने। अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा अभी से ही जन जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। साथ ही पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण को दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाने की योजना तैयार की है। इस बार पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण किया जाएगा। इस तरह की रणनीति से दुनिया के उन देशों में पीएम मोदी के मन की बात को पहुंचाया जा सकेगा जो देश उनको सुनना चाहते हैं। सभी देश पीएम मोदी के कार्यों की सराहना करते हैं और 2024 से पहले बीजेपी का मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फोकस है। आपको बता दें कि मुसलमानों को उर्दू में मन की बात समझाने का प्रयास किया जाएगा। मदरसों बुद्धिजीवियों में मन की बात का उर्दू संस्करण बटेगा। वह 130 से अधिक पन्नों की किताब में 12 संस्करण शामिल है और प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने को लेकर अब ये टारगेट रखा गया है। तो अब पूरी दुनिया मन की बात का प्रसारण सीधा तौर पर सुनेगी। वहीं अगर देखा जाए तो 2024 को लेकर के ये एक रणनीति भी तैयार की गई है कि अब उर्दू में भी मन की बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो केंद्र की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचे। क्योंकि यूपी में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए यूपी को जीतना कितना अहम है, जिसका हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मन की बात को उर्दू में समझाने की भी कवायद अब भाजपा द्वारा शुरू कर दी है। तो उर्दू में मन की बात को समझाने का भी अब प्रयास किया जाएगा और अब पूरी दुनिया सुनेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। पूरी दुनिया में होगा मन की बात का प्रसारण। वही मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होना है, जहां अब उर्दू में भी मन की बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो लगातार मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाता था, जिसको अब पूरी दुनिया सुन सकेगी। यानी अब पूरे दुनिया के लोग पीएम के मन की बात का कार्यक्रम सीधे तौर पर सुन सकेंगे। वही मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण किया जाएगा। तो उर्दू में भी मन की बात कार्यक्रम को समझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए भाजपा द्वारा ये कोशिश की जा रही है, ताकि जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं और जो उन्होंने अभी तक के कार्यक्रम चलाए हैं, वो सभी लोगों तक पहुंचे, सभी मुस्लिम समुदाय तक पहुंचे और वो हर एक तबके तक पहुंचे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, उर्दू में मन की बात को समझाने का ये जो बीजेपी द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको 2024 के चुनाव से जोड़ते हुए? बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के कवायद ये है, जो मुस्लिम वर्ग है उसको पालने किया जाए और निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग को पालने की कवायद लगातार बीजेपी द्वारा चल रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में लगातार पसमानदा समाज के सम्मेलन कराए जा रहे थे। इसके अलावा मैं आप देख रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी लगातार मुस्लिम वर्ग को लेकर नए नए फरमान भी जारी करती रहती है, ये बताती है कि मुस्लिम वर्ग के लिए हम हैं, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए हलाला और 3 तलाक जैसे कानून से बीजेपी द्वारा मुहर लगाई गई है, वो कानून लागू हो गए हैं और निश्चित रूप से इसका फायदा भी मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को मिल रहा है। तो मैंने कहा बीजेपी ये मानता है कि यहाँ पर जिस तरह से हिंदू वर्ग तो हमारे साथ यहाँ पर साथ है, बीजेपी मुस्लिम वर्ग भी हमारे साथ है, क्योंकि विपक्ष लगातार बोलता रहता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। इस तथ्य को, इस व्यवस्था को, जो भ्रम जो भ्रामक चीजें विपक्ष द्वारा चलाई जाती है, उसको बेहतर करने के लिए और उसको नई तरह से शुरुआत करने के लिए यहाँ पर मुस्लिम वर्ग को। बिल्कुल गौरव, अभी आपने जिस तरीके से बताया कि अक्सर भाजपा पर यह आरोप लगाता है कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टियां हैं, ऐसे में जब मन की बात का उर्दू में प्रसारण किया जाएगा, यानी कि यूं कहे कि मन की बात को जब उर्दू में समझाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? देखिए, असर सबसे पहली बात मुस्कान यहाँ पर है, असर यहाँ पर मानसिकता और विचारों की है। बिल्कुल, विचार समझने होंगे, विचार कैसे है। मन की बात के माध्यम से नरेंद्र मोदी जब मुसलमानों के लिए उर्दू में एक बात लेके आ रहे हैं, इसका सबसे पहले रिजल्ट क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा, तो परिणाम पहले पहले आपको मानसिकता और विचार को बदलना होगा। और यहाँ पर मानसिकता विचार को बदलने के लिए तमाम तरह के जो बयान है उन पर भी रोकथाम लगानी पड़ी। जिस तरह से यहाँ पर मौलाना शुक्र निजामी ने कहा है कि ठीक है, हम लोग इस बात का सहयोग करते हैं और अगर कोई पार्टी हमारे साथ जुड़ना चाहती है या
हम किसी संगठन के विरोधी नहीं है, किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। अगर कोई हमारे साथ बाहर आगे बढ़ा रहा है तो हम भी आगे बढ़ने तैयार है, पर निश्चित रूप से जो पार्टी में लोग हैं उस तरह के बयानबाजी ना करें जिससे लेकर पार्टी की जो छवि है वो हमारे जो संगठन है या हमारे लोगों में हमारे वर्ग में एक खराब छवि जाए। तो पहले पार्टी में ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए जो समय समय पर अबुनियादी या खराब तरह के जो बयान है वो देते रहते हैं जो मुस्लिम वर्ग को उकसाने के लिए। गौरव, जिस तरीके से दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, तो ऐसे में अब पूरी बात पीएम के मन की बात कार्यक्रम को पूरी दुनिया के लोग सुन सकेंगे, तो ऐसे में भाजपा क्या कुछ संदेश देना चाहती है दुनिया भर में? संदेश तो यहाँ पर स्पष्ट है कि संदेश यहाँ पर जो है 24 चुनाव को लेकर, संदेश यहाँ पर मुस्लिम वर्ग का खास संघर्ष बनने को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें 24 चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है उसका, और यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात है। और मुस्लिम वर्ग की अगर हम बात करें साउथ में भी बहुत आयत है, साउथ के अगर हम राज्यों की बात करें वहाँ भी मुस्लिम वर्ग बहुत आयत है, तमाम राज्यों में मुस्लिम वर्ग का है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर ही मुस्लिम वर्ग की खासी जनसंख्या है। तो कहीं से बीजेपी ये सोच है कि जो साउथ के जो हमारे राज्य हैं या जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ तक पैड बनाई दे, क्योंकि वहाँ के अगर मुस्लिम वर्ग की बात करें वहाँ के मुस्लिम वर्ग के लोग बहुत साक्षर बहुत ज्यादा होते हैं, वो बात चीजों को समझते हैं, तो चीजें समझाने के लिए अपनी बात उन तक पहुँचाने की इस तरह की योजना लाई जा रही है। अच्छा गौरव, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, ऐसे में मुस्लिमों को साधने की कवायद भाजपा द्वारा क्यों की जा रही है, और कितने वोट बैंक्स ऐसे हैं जो साधने की कोशिश भाजपा ज्यादातर करेगी 2024 के चुनाव में? जी बिल्कुल, यहाँ मुस्लिम सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, जिस तरह से चर्चा हो रही, जिस तरह से बात हो रही है कि विपक्ष यहाँ पर बात करता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी वाली पार्टी है, तो भाई बीजेपी की शुरू से कवायद ये रही है कि मुस्लिम वर्ग में पैड बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिंदू वर्ग के वोट उनको मिलते मिलते हैं, मुस्लिम वर्ग की यहाँ पर एक अलग तरह की व्यवस्था बनाने जा रही है, पसमानदा समाज के सम्मेलन भी करने जा रही है, सम्मेलन होते रहते हैं, अभी हाल में लगातार सम्मेलन हो रहे थे, तमाम जगहों पर बीजेपी द्वारा सम्मेलन कराए गए थे, और स्पष्ट संदेश आ रहा कि विपक्ष ने तमाम तरह की मांग की थी कि सम्मेलन है केवल दिखावे के है, पर कहीं ना कहीं बीजेपी की एक यहाँ पर एक मंशा स्पष्ट है कि मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को, खासतौर से मुस्लिम वर्ग के वो लोग जो साक्षर है और जो लोग समझते हैं उन तक अपनी उपलब्धियों को उनको अपनी जानकारी दी जाए कि हम आपके खिलाफ नहीं है और हमारी पार्टी आपके खिलाफ नहीं है, हम सभी के साथ सबका साथ सबका विकास विकास सबके विश्वास में चलना चाहते हैं, और इसी के तहत मुस्लिम वर्ग को भी अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसके मामले में गुरुवार को सूरत की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई, हालांकि मामले में उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई। वहीं मामले पर राहुल और अन्य विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की बात को कोट करते हुए लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। वह दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी राहुल के समर्थन में आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है, लेकिन उन्हें जमानत भी मिल गई है। 13 अप्रैल 2019 को एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम आखिर मोदी क्यों होता है, जिस पर आज सूरत सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और इस दौरान फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा मुकर्रर की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपांशु, जिस तरीके से आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा मुकर्रर की गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो समर्थन है वो राहुल गांधी के साथ है। जी बिल्कुल, आपको बात की जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, राहुल गांधी के सजा के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष से उन्हें समर्थन मिलते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं कि राहुल गांधी को 2019 चुनाव के दौरान एक रैली में उन्होंने कहा था नीरव मोदी और साथ ही साथ ललित मोदी और देश के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहीं ना कहीं चोर सबसे संबोधित किया था, जिसके बाद आपको बताएं कि बेंगलुरु के रैली थी जिसमें यह शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें 13 अप्रैल 2019 को बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी की याचिका पर शिकायत पर यह मामला कोर्ट पहुंचा। बात करें तो ये मामला 6 मई को सूरत से
और गुजरात के अंदर में पहुंचा। उसके बाद अगर बात की जाए तो राहुल गांधी इस मामले को लेकर 3 बार पहले भी पेश हो चुके हैं। बात करें तो 16 जुलाई, 10 दिसंबर और 29 अक्टूबर 2021, और साथ ही साथ आज इस केस की अगर देखें तो 4 बार राहुल गांधी स्वयं कोर्ट में पेश हो चुके हैं। बिल्कुल विमानशु, आज जिस तरीके से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो किन किन धाराओं के तहत उनको ये सजा मिली है? जी बिल्कुल, आपको बताया कि कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए लगभग बात करें तो आधे घंटे के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना राशि तय की। साथ ही अगर बात की जाए तो IPC की धारा 500 और साथ ही साथ 400 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। और आपको बताया कि आधे घंटे के भीतर ही उन्हें जमानत दे दी गई। वहीं राहुल गांधी के जो वकील हैं वो अपने बयानों में कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी का ये बयान भ्रष्टाचार के लेकर था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने को लेकर था। वहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की तस्वीरों को शेयर करके और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्य मेरा भगवान है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी उनके समर्थन में ट्वीट करते हुए कहते हुए नजर आ रही है कि मेरा भाई कभी किसी से डरा नहीं और ना डरेगा। इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो सियासत के देश की राजनीति में तेज हो गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो ऐसे में राहुल गांधी के वकील का क्या कुछ कहना है, क्या आगे उनकी रणनीति क्या कुछ होगी? जी साफ तौर से अगर देखें तो राहुल गांधी का जो वकील है उनका साफ तौर पे यही कहना था कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण में चोर कहा था, जिसपे उन्होंने साफ तौर से देखे तो नीरव मोदी और साथ ही साथ ललित मोदी को कहीं ना कहीं निशाना बनाया था। मगर भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से गलत तरीके से इसे प्रस्तुत करके कोर्ट में ले जाया गया। अब आपको बताया कि उसमें कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की भी बात की गई थी वैली के अंदर में, और जब फैसला आता है मुस्कान तो उस वक्त पूर्णेश मोदी जो कि अभी तत्काल में गुजरात से विधायक है, वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोर्ट पहुंचे थे, और जब फैसला आता है तो उस वक्त तमाम BJP के कार्यकर्ता और पूर्णेश मोदी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। आपको बताया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर ये कहते हुए नजर आ रही है कि भ्रष्टाचार जो देश में हो रहा था और हो रहा है उसको लेकर राहुल गांधी आवाज उठाते रहते हैं, और जो व्यक्ति बैंकों का पैसा लेके भगौड़ा हो गया है उसे वो चोर कहते हुए नहीं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नीरव मोदी और ललित मोदी को कहीं ना कहीं राहुल गांधी निशाना साधते हुए नजर आए थे। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की छवि को सुधारने के लिए जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनको 2 साल की सजा मिल जाती है। क्या लगता है 2024 के चुनाव से पहले अगर कांग्रेस की छवि लगातार इस तरीके से धूमिल हो जाएगी, तो आखिर किस तरीके से आगे कांग्रेस अपनी जो चुनाव की है वो तैयारियां करेगी? जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की जमीन अभी खोई हुई है और जमीन तलाशने को लगातार प्रयासरत है। आपने देखा कि 11 राज्यों में राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत, कई UT यानी कि यूनियन टेरिटरी में जाते हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का संबोधन, उसके ठीक बाद ये फैसला, कहीं ना कहीं जो तमाम जिम्मेदार हैं उनके कहीं ना कहीं उनकी आंखें खोल रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने किसी को ठेस नहीं पहुंचाया है और इसे गलत तरीके से पेश किया गया है और अब माननीय कोर्ट का फैसला है उसे वो पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि जिन्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, चाहे वो किसी सदन का सदस्य हो। तो क्या राहुल गांधी की सदन की सदस्यता समाप्त होती है, ये आने वाला दिन बताएगा। मगर आपको बताए कि अगर बात करें तो जनसंघ जब सत्ता में आई थी उस वक्त इंदिरा गांधी का भी कहीं ना कहीं सदस्यता बंद हुआ था। अब राहुल गांधी के समर्थन में तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी की सत्ता खत्म होगी तो ठीक इंदिरा गांधी की तरह वो सत्ता में आएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिव्यांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान 30 दिन तक चलता है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों को रमजान का पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। चांद दिखने के साथ इस पवित्र महीने की शुरुआत हो जाती है और लोग रोजे रखते हैं, जिसको लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं रमजान के चलते नगर निगम कर्मियों को सहूलियत दी गई है। नए आदेश के अनुसार रोजा खोलने से पहले रोजेदार कर्मचारी घर जा सकेंगे, लेकिन लंच के समय कर्मचारियों को काम करना होगा और 4:30 बजे रोजेदार कर्मचारी अपने घर जा सकेंगे। तो रोजा खोलने से पहले घर जा सकेंगे रोजेदार कर्मचारी, नगर निगम द्वारा ये फैसला लिया गया है। लंच के समय कर्मचारियों को वापस काम पर लौटना होगा। वहीं रमजान के लिए मुस्लिम कर्मियों को छुट्टी भी दी जाएगी और रोजा खोलने से पहले अब रोजेदार कर्मचारी घर भी जा सकेंगे। तो रमजान के लिए मुस्लिम कर्मियों को काफी हद तक नगर निगम द्वारा सहूलियत दी गई है। इस दौरान नगर निगम ने कहा कि रोजा खोलने से पहले जो रोजेदार कर्मचारी है वो घर जा सकेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, नगर निगम द्वारा रोजेदारों के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी दी गई है, क्या है वो फैसला? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से ये एक दिन पहले तक ये मुद्दा बना हुआ था कि पहले दिन है ये जो कैद की रामनवमी है, इसको लेकर पूरा छुट्टियां हो रही हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है और जरूरी कार्रवाई भी जो है इनके लिए और छुट्टी दे दी गई, जिससे इससे जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने बाकायदा प्रश्न उठाया था कि अगर हिंदू के त्यौहार में इस तरह की छुट्टियां दी जा रही है तो रमजान के त्यौहार में भी हिंदुओं का जो त्यौहार होता है रमजान का होता है या फिर ईद का होता है तो उसमें छुट्टियां दी जानी चाहिए। तो नगर निगम ने एक बड़ा ही इनिशिएटिव कदम उठाया है और नगर निगम में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं जो रोजा रखते हैं उनको एक बड़ा जो है इनिशिएटिव कदम उठाते हुए एक सहूलियत दी है कि वो रोजा खोलने से पहले करीबन 4:30 बजे वो अपने घर को जा सकते हैं। विवेक, जिस तरीके से आज ये फैसला लिया गया है कि अब रोजा खोलने के लिए रोजेदार जो कर्मचारी है वो अपने घर जा सकेंगे, तो इस जी विवेक मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से आज नगर निगम द्वारा ये फैसला लिया गया है कि रमजान के लिए मुस्लिम कर्मियों जो है वो रोजा खोलने के पहले अपने घर जा सकेंगे, तो ऐसे में उनको क्या कुछ सहूलियत मिलेगी? देखिए बिल्कुल, ये नगर निगम का एक बहुत ही इनिशिएटिव काम है कि जो मुस्लिम कर्मचारी नगर निगम में काम करते हैं इस त्योहारों के समय में जो रोजेदार होंगे जो रोजा खोलने के लिए अपने घर जा सकेंगे उनको तकरीबन 4:30 बजे जो है अपने काम को निपटाकर घर जाने की अनुमति और सहूलियत मिल गई है, लेकिन लंच के समय जब बाकी स्टाफ जो लंच कर रहा होगा उस समय तक उनको काम करना होगा। इसी तरीके से 4:30 बजे रोजेदार अपने घर जा सके ताकि बाकायदा अपने धर्म के अनुसार अपनी सहूलियत के अनुसार वो अपने त्योहार को मना सके अपने रोजे को खोल सके। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंसानों का जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार के किस्से तो आप सबने बहुत सुने होंगे, लेकिन जानवरों और इंसानों की दोस्ती कम ही देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों से यूपी की अमेठी में इंसान और सारस पक्षी की दोस्ती की कहानी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अमेठी के रहने वाले मोहम्मद आरिफ गुर्जर और सारस की अनोखी दोस्ती दिल को छू लेने वाली है। वही इंसान और पक्षी की अटूट यारी देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन आज अचानक आरिफ का सारस दोस्त लापता हो गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरते हुए तत्काल सारस को ढूंढने की मांग की। हालांकि रायबरेली के पक्षी विहार में उड़कर लापता हुआ सारस मिल गया और सारस करीब 12 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंच गया था। वन विभाग की टीम उसे वापस रेस्क्यू करके ले आई है। बता दें कि सारस जिसे वन विभाग की टीम ने रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार शिफ्ट किया था उसे अब वापस ले आया गया है। तो अचानक हो गया था दोस्त सारस जो अब एक बार फिर से ढूंढ लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज यूपी की राजनीति में जिस तरह से सारस का मुद्दा जो है वो गूंज रहा है, कितने दिन तक चलेगा ये मुद्दा? जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो अब तक अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सारस के मुद्दों को उठाते हुए नजर आए हैं। अब कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष का भी यानी बात करिएगा पक्ष का भी बयान आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह
ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं है, कि वो सारस का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस सारस के मुद्दे को उठाते हुए अब देखा जाए, जहां अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर पक्षी को कुछ हुआ तो पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। आपको बताएं कि ये मामला अगर देखें तो 7 महीने पहले आरिफ नाम के एक अमेठी का शख्स, आरिफ जिसे सारस मिलता है घायल अवस्था में, वो अपने घर ले जाता है, सारस की पूरी देखभाल करता है और देखभाल के बाद वो उसके साथ रहने लगता है। इसके बाद आपको बताया कि सोशल मीडिया पे वायरल होता है, वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके गांव उससे मिलने पहुंचते हैं, जिसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो वन विभाग की तरफ से एक नोटिस जाता है और सारस को वन विभाग को सुपुर्द करने का आदेश लेकर आरिफ के गांव वन विभाग के कर्मचारी पहुंचते हैं और सारस को लेकर कहीं ना कहीं पक्षी विहार रायबरेली पहुंच जाते हैं। उसके ठीक बाद आज सुबह 9:55 पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। उस ट्वीट में ये कहा जाता है कि सारस गायब हो चुका है और इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, जो अधिकारी जो कर्मचारी ले गए हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें उनके सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर पाए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पक्षी विहार प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वो पक्षियों की झुंड में कहीं उड़ गया। उसके ठीक बाद अगर बात करें तो ठीक पक्षी विहार से 12 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में सारस मिलता है, जिसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जाता है और पक्षी विहार के कर्मचारियों और वन विभाग के कर्मचारियों पर सवालिए निशान खड़ा किया जाता है। भांशु, जिस तरीके से अखिलेश यादव सारस को एक मुद्दा बना रहे हैं, तो आखिर इस सारस प्रेम की वजह क्या है जो अखिलेश यादव लगातार सारस को लेकर ट्वीट करते हैं? जी, अगर बात की जाए तो कल अखिलेश यादव ने जो प्रेस वार्ता की थी उसमें जब सारस को वापस आरिफ से लिया जाता है तो वो उसे साथ में मंच में बिठाते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं, एक आरोप लगाते हुए कि मैं सारस के से मिलने गया था अमेठी और अमेठी के अंदर में मैं आरिफ और सारस से मुलाकात की थी, इस वजह से आरिफ के सारस को वापस ले लिया गया। अब कहीं ना कहीं से मामले को अगर देखें तो अखिलेश यादव पूरी तरह से आरोप लगाते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि सारस को मैं मिलने गया वैसे सारस को वापस लिया गया है। उसके ठीक बाद आप लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जो ट्विटर हैंडल है उससे लगातार सरकार और साथ ही साथ वन विभाग के कर्मचारियों और साथ ही पक्षी विहार के कर्मचारियों पर लगातार हमला बोलने का काम हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल सारस को वापस पक्षी विहार अपने पास ले गया, आज फिर से 12 किलोमीटर दूरी जिस गांव में गया था वहां से फिर से रेस्क्यू करके पक्षी विहार ले गया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो आरिफ की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मैं पूरी कागजी प्रक्रिया के तहत सारस को पाना चाहता हूं, यानी कि सारस कहीं ना कहीं जो प्रतिबंधित है, आम जनमानस उसको आमतौर पर पालता नहीं है और आमतौर पर यह भी नहीं देखा जाता है कि सारस इंसानों के साथ इतने अच्छे से घुल मिल सके। इस मामले को लेकर अब आरिफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। हाल फिलहाल में उनके बयान भी आए हैं, इसको लेकर हम एक शासन से आदेश भी करते हैं, एक गुजारिश भी करते हैं, आदेश चाहते हैं कि वो हमें सारस के साथ रहने दे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां सारस के मुद्दों को समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उठाकर मांग कर रहे हैं कि इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इस पर केंद्र माफ करिएगा राज्य सरकार और साथ ही साथ जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी क्या दशा दिशा, उनकी क्या इस पर रूपरेखा रहती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद दिवांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।